दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फिमेक्स का विड्रॉल ट्रिक। जो मैंने आपको फिमेक्स का एयरड्रॉप दिया था ना, इसमें यहाँ पर सभी को फ्री में ट्रेडिंग बोनस मिल रहा था $10 का, ठीक है। तो सभी ने यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट से क्लेम किया, किसी ने 10 अकाउंट से किया, किसी ने 20 से, किसी ने यहाँ पर 100 अकाउंट से क्लेम किया। दोस्तों अब ये एयरड्रॉप ओवर हो गया। अब जब आप यहाँ पर क्लेम करने जाओगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगेगा आपसे, आपको यहाँ पर बोलेगा कि आप KYC करो, तभी जाके आप यहाँ पर क्लेम कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जब तक KYC नहीं मांग रहा था, यहाँ पर बहुत लोगों ने क्लेम कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत से भाई बोल रहे थे कि आप इसकी विड्रॉल की वीडियो लाओ कि यहाँ पर हम कैसे विड्रॉ करें कैसे नहीं करें। दोस्तों यहाँ पर विड्रॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली आप किसी भी एक्सचेंज से जैसे विड्रॉ करते हो, आप यहाँ पर विड्रॉल लगाओगे तो यहाँ पर पेमेंट आ रही है ऑलरेडी। यहाँ पर बहुत से लोगों ने, यहाँ पर देख सकते हो आप, विड्रॉल लगा लिया है और यहाँ पर अपना पेमेंट जो भी है पेटीएम में ले लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर नॉर्मली भी विड्रॉ लगाओगे तो आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर भी यहाँ पर बहुत से लोगों को डर लग रहा है कि अगर हम विड्रॉल लगाएंगे तो हमारा पेमेंट नहीं आएगा या फिर हमारा अकाउंट लॉक हो जाएगा, तो इस तरह का डर लग रहा है लोगों को। दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको वेरीफाई कर लिया। आज की वीडियो में आपको इसका मैं लाइव विड्रॉल लेके दिखाऊंगा, प्लस कुछ पॉइंट भी बताऊंगा आपको यहाँ पर, जिससे आप यहाँ पर सेफली विड्रॉल कर पाओगे और आपका 100% विड्रॉल भी आएगा और आपका यहाँ पर अकाउंट लॉक होने का भी डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों बस इस वीडियो के ध्यान से एंड तक देखते रहना, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर कोई भी नई लूट आए तो आप सबसे पहले उसको यहाँ पर लूट। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सिंपली लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएगा और इसके यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी नई क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड नई एयरड्रॉप लाता हूँ, नई लूट लाता हूँ, तो उसका सबसे पहले अपडेट, विड्रॉल प्रूफ, सब कुछ यहाँ पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। और कोई भी शॉर्ट टाइम एयरड्रॉप होता है तो उसको यहाँ पर देता हूँ, जिससे आप लोग यहाँ पर इंस्टेंटली लूट पाते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट मस्ट ज्वाइन कर लेना, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपका बेल टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले विड्रॉल के लिए आपको यहाँ पर अपना फेमेक्स अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल के रखा होगा तो यहाँ पर आपका $20 शो कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट वाले में, ठीक है, इस वाले में आपका शो कर रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको सबसे पहले इस वाले से ना इस वाले में आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफर आप कैसे करोगे, सिंपली उसके लिए आपको यहाँ पर एक ट्रांसफर का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करके आपको यहाँ पर USDT सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर USDT हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट से लेना है स्पॉट में, तो सिंपली यहाँ पर आपको ये लोगो दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप ऑल पे क्लिक कर देना, तो आपके यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे इस बटन पे आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक टाइमर शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइमर के अंदर आपको एक बार और अगेन यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जो भी आपका फंड होगा कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर स्पॉट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। विड्रॉल पे क्लिक करना है मैनुअली, तो जब आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये सबको करना आता है, कैसे किया जाता है, सिंपली यहाँ पर आपको बाइंड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा, सिंपली उस कोड को आपको लेके जाना है यहाँ पर, ठीक है। उस कोड को आपको यहाँ पर लेके आना है, गूगल ऑथेंटिकेटर के एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर लेके आना है। सिंपली यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है और की वाले पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और नेम में आपको यहाँ पर फेमेक्स डाल देना है, जिस भी जीमेल आईडी से हो आपका, ठीक है। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आप यहाँ पर ऐड कर लोगे सिंपली वहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है। उस कोड को यहाँ पर आपको लाना है, यहाँ पर लाकर आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करोगे तो पेस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म का बटन दिखेगा, सिंपली वो कर लेना है, ठीक है। बट वो आपको 30 सेकंड पहले करना है, क्योंकि जब आप कोड वहां से कॉपी करोगे तो एक यहां पर सर्किल घूम रहा होगा इस तरीके से, और जैसे वो 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पर कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कोड को चेंज होने से पहले यहां पर आपको बाइंड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहां पर बाइंड कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे की स्टेप बताता हूं कि यहां पर आपको विड्रॉल करना कैसे है। दोस्तों जब यहां पर आप बाइंड कर लोगे गूगल कोड, तो दोस्तों यहां पर आपको लॉग इन करने को बोलेगा, ठीक है। और जब आप लॉग इन करोगे तो उसके बाद यहां पर आपको ईमेल पे कभी भी कोड नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वही वाला कोड डालना पड़ेगा गूगल वाले एप्लीकेशन में, आपको गूगल कोड के एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा और वहीं से हमेशा आपको उस कोड को उठा के यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे। बहुत लोगों से यहाँ पर गूगल का कोड डिलीट हो जाता है, दोस्तों उस कोड को आपको संभाल के रखना पड़ता है, वरना अगर वो कोड खो जाता है या फिर किसी वजह से डिलीट हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट से बात करनी पड़ती है, उसके बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बहुत लोग सॉल्यूशन पूछते हैं कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन बता दो, मेरे से डिलीट हो गया। तो इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, कस्टमर सपोर्ट से बात करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व
कर देते हैं तो ठीक है, नहीं कर देते तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको गूगल वाले एप्लीकेशन को कभी डिलीट नहीं करना है, उस कोड को वहाँ से कभी भी मतलब डिलीट नहीं करना है, वो कोड हमेशा चेंज होते रहता है, जो आपने वहाँ पर ऐड करके रख दिया उसको वहाँ से कभी भी डिलीट मत करना, वरना फिर आप यहाँ पर अकाउंट कभी लॉग इन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर गूगल कोड बाइंड कर लेते हैं उसके बाद सिंपली यहाँ पर हम विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप कौन सा टोकन विड्रॉ करना चाहते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आपको ओनली दो ही टोकन, या तो आप यहाँ पर कर लो USDT विड्रॉ, या तो आप यहाँ पर कर लो TRX विड्रॉ, ठीक है। TRX जब आप यहाँ पर विड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर लगेगा एक TRX का फी, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर USDT विड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर लगेगा 18 USDT का फी, ठीक है। बट ये 18 USDT का आपको यहाँ पर कोई फी नहीं लगेगा, आपको यहाँ पर जीरो फी लगेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको TRC20 का एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपका फी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसी नेटवर्क में विड्रॉ करना है, ठीक है। तो जिस भी एक्सचेंज में आप यहाँ से ट्रांसफर करके उसमें लेते हो वहाँ पर भी आपको TRC का नेटवर्क सिलेक्ट करके ही वहाँ पर से आपका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप ऑल पे क्लिक कर दोगे तो आपका जितना भी फंड होगा आप यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप विड्रॉल लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो तरह के फंड के विड्रॉल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपके अकाउंट में यहाँ पर $10 या फिर $5 से ज़्यादा है और $10 से कम है, ठीक है, अगर इतना फंड है आपके अकाउंट में तो सिंपली यहाँ पर आप नॉर्मली विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आपका $50 से प्लस फंड है, मान लो यहाँ पर आपका $100 है, $80 है, इतना फंड है, तो यहाँ पर आपको सेफली विड्रॉल करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। वो स्टेप मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अकाउंट होंगे, मल्टीपल आपके पास यहाँ पर फीमेक्स का अकाउंट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डे मैक्सिमम 5 ही अकाउंट से विड्रॉल लगाना है, ठीक है, उससे ज़्यादा से मत लगाना, वरना यहाँ पर आपको ट्रैक कर लेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 से ज़्यादा आप कोशिश करना 4-3 इतना ही लगाओ, 5 से ज़्यादा आपको यहाँ पर डेली विड्रॉल नहीं, आप 5 से ज़्यादा अकाउंट से एक डिवाइस से विड्रॉल मत लगाना। अगर आपके पास यहाँ पर 2 डिवाइस 3 डिवाइस तो उस हिसाब से आप यहाँ पर हर डिवाइस से 5-5 अकाउंट आप यहाँ पर डेली विड्रॉल लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मस्ट IP चेंज, जब भी आप यहाँ पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब विड्रॉल लगाओ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर लेना है, ठीक है। हमेशा IP चेंज करके आपको यहाँ पर विड्रॉल लगाना है, एक का विड्रॉल लगा लिया IP चेंज कर लेना है, फिर विड्रॉल लगाना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही क्रिप्टोकरेंसी में यहाँ पर विड्रॉल लगाना है, या तो आप यहाँ पर USDT में लगा लो या तो आप यहाँ पर TRX में लगा लो, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर किसी भी क्रिप्टोकरेंसी में विड्रॉल नहीं लगाना है, ठीक है। इसके यहाँ पर दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर दोस्तों आपको इन दोनों में ही कम फी लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी टोकन में चले जाओ, सबसे पहली बात तो यहाँ पर लिमिटेड टोकन है, यहाँ पर कोई ज़्यादा टोकन नहीं है, आपको यहाँ पर लिमिटेड टोकन मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों के अलावा किसी और टोकन में आप यहाँ पर विड्रॉ लगाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिनिमम ₹100 का तो फी लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर कम फी में विड्रॉ करना है तो हमेशा USDT नहीं तो TRX में आपको यहाँ पर विड्रॉ करना है, ठीक है। USDT में यहाँ पर आपको कोई फी नहीं लगती और TRX में आपको यहाँ पर एक TRX की फी लगती है, लगभग ₹10 के करीब, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, आपको कभी भी मतलब एक ही एक्सचेंज में विड्रॉल नहीं लगाना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने इस फीमेक्स अकाउंट से मान लो यहाँ पर बाइनांस में विड्रॉ लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा फीमेक्स अकाउंट होगा उससे भी आप विड्रॉ मत लगाना उसी बाइनांस के अकाउंट में, ठीक है। सिंपली वहाँ पर आपको अलग अलग एक्सचेंज में विड्रॉ लगाना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर इनको कोई डाउट ना हो स्कैम वगैरह का, ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ पर ये पेमेंट लॉक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास ज़्यादा एक्सचेंज हो आप उसमें विड्रॉ लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सबसे इजीली ट्रिक बताता हूँ जिससे आप यहाँ पर विड्रॉ लगाओ। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सचेंज के बारे में बताता हूँ, प्लस उसका अनलिमिटेड अकाउंट बनाने का तरीका बताता हूँ जिससे आप यहाँ पर अनलिमिटेड उसका अकाउंट बना के आप पर अकाउंट ले सकते हो, उसके बाद में आप उस एक्सचेंज से सारे को एक अकाउंट में ले लेना, ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको कुकोइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुकोइन एक्सचेंज टॉप 8 एक्सचेंजेस में आता है और यहाँ पर ये बाकी एक्सचेंजेस में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप मिनिमम ट्रेड $1 से भी कर सकते हो और यहाँ पर किसी भी टोकन का मिनिमम विड्रॉल भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और यहाँ पर फी वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस यहाँ पर आप फेक KYC भी कर सकते हो, तो फेक KYC करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप यहाँ पर रैंडम डिटेल डाल सकते हो, आप यहाँ पर करना क्या कि आपको यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर आपसे नाम मांगेगा और आपको यहाँ पर अपना मतलब आधार कार्ड है तो उसका नीचे जो आपका कोड होता है वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करने को बोलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड सर्च कर लेना है, तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड के बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे बहुत सारे लोगों के।
सिंपली उसका नाम और आईडी कोड डाल के आपको यहाँ पर केवाईसी कर लेना है, आपको यहाँ पर इंस्टेंटली आपका केवाईसी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका कोई भी झंझट नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप इजिली विड्रॉ ट्रेड सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप मल्टीपल अकाउंट बना के मल्टीपल टाइम यहाँ पर आप केवाईसी कर लेना। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हर फीमेक्स अकाउंट से आपको अलग अलग कूपन के अकाउंट में यहाँ पर आपको विड्रॉल लेना है, ठीक है। मतलब एक से ले लिया आपने मान लो इस अकाउंट में, तो उसके बाद दूसरा यहाँ पर लॉग इन कर लेना कूपन का अकाउंट, ठीक है। और उसमें आपको यहाँ पर दूसरे फीमेक्स के अकाउंट से यहाँ पर विड्रॉल ले लेना है, ठीक है। दोस्तों ये जो सारे स्टेप मैंने बताए, ये बताए उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर अकाउंट में $50 से प्लस का फंड है, ठीक है। लेकिन जिसका यहाँ पर $10 का फंड है तो सिंपली यहाँ पर वो नॉर्मली विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। बस यहाँ पर आप मैक्सिममली 5 अकाउंट करना पर डे एक डिवाइस से, ठीक। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको विड्रॉल को लेकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो विड्रॉल लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिंक करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पर चूज विड्रॉल एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पर एड विड्रॉल एड्रेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको TRC20 का ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका एड्रेस पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कूकॉइन दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से गूगल कोड मांगेगा, तो अब से दोस्तों जो भी आपका विड्रॉल होगा आप यहाँ पर लॉग इन कर पाओगे सब आप इस गूगल कोड से कर पाओगे, तो गलती से भी इस गूगल कोड को आपको डिलीट नहीं होने देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको गूगल कोड डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर जब आप विड्रॉल करने जाओगे तो आपको यहाँ पर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर बहुत से भाइयों को लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप विड्रॉल करने जाओगे तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर विड्रॉल ले सकते हो, ठीक है। तो डिपॉजिट करना कोई भी बड़ी बात नहीं, यहाँ पर आपको कोई $10 के $20 के फंड डिपॉजिट करने को नहीं कह रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ कह रहा है डिपॉजिट करने को, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको TRX को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर आप मैक्सिममली 2 TRX का यहाँ पर डिपॉजिट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर विड्रॉल अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। विड्रॉल अनलॉक होने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको जो भी USDT होगा, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर 2 TRX को आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, नहीं तो आप USDT से यहाँ पर TRX बाय कर लेना और उसके बाद यहाँ पर आप 1.5 TRX विड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1 TRX की फी और लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर जो हमें पेमेंट है वो इंस्टेंट मिल रहा है या फिर कुछ टाइम लग रहा है, तो दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पर पेमेंट आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ से किसी एक्सचेंज में विड्रॉ लगाते हो तो आपको यहाँ पर 24 घंटे का आपको यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन पूरा पूरी आप 24 घंटा नहीं लेके चलो, यहाँ पर आपका 20 घंटा या फिर 18 घंटे में आपका यहाँ पर पेमेंट आ जाएगा जिस भी में आप विड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ से विड्रॉ लगाते हो ट्रस्ट वॉल्ट में, तो आपको यहाँ पर 12 से 13 घंटा या फिर मैक्सिमम 15 घंटे में आपका यहाँ पर ट्रस्ट वॉल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा फंड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पेमेंट 100% आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कल ही विड्रॉ लगाया था और मैं आपको अपने Gate.io में मैंने विड्रॉ लगाया था, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो मेरा $20 का फंड है वो यहाँ पर मेरा रिसीव हो गया था आज, ठीक है। मैंने यहाँ पर कल विड्रॉ लगाया था इसी टाइम मुझे, और यहाँ पर आज रिसीव हो गया इसी टाइम, ठीक है।